अनुरोध करता हूँ, मैं प्रबंधन अध्यक्ष विद्या शाखा के निदेशक डॉक्टर ओम जी गुप्ता सर से कि वो राष्ट्रगीत के लिए आए। आप सभी से अनुरोध है कि राष्ट्रगीत के सम्मान में अपने स्थान पर खड़े हो जाएंगे। पुरुषों की 100 मीटर दौड़ के आयोजित करने जा रहे हैं। देवेश जी से पुनः एक बार अनुरोध है कि वो बैठकर साहब को अंग वस्त्र। एक स्टूडेंट है वो नमिता साथी बैच लगाएंगे। स्टूडेंट हमारी बनीता हमें अंग वस्त्र और शुक्राम अतुजा जी से रिक्वेस्ट। सर्वेश यादव, सर्वेश यादव जो मार्गदर्शन है वहीं पर खड़े होंगे क्योंकि मौसम भी खराब होने जा रहा है। तो इस संजय सिंह जी वाह क्या बात है। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। हाँ, तुम लोग कब जीते हो सब।
कर्मचारियों की 100 मीटर दौड़ की 100 मीटर दौड़ अलग से कराई गई थी।
का काम है। इस स्पर्धा का सिल्वर मेडल तृतीय स्थान मिला है श्री राम, और इसी स्पर्धा का गोल्ड मेडल है जाता है श्री प्रदीप यादव को। द्वितीय स्थान इसमें प्राप्त हुआ है अजय यादव को, 100 मीटर दौड़ में द्वितीय स्थान अजय यादव को, और इस स्पर्धा में प्रथम स्थान अरविंद कुमार ओझा को प्रथम स्थान मिला है 100 मीटर दौड़ में। विद्यार्थियों के लिए एक बार फिर ताली बजाइए भाई। दौड़ में प्रथम स्थान प्राप्त किया मास्टर अजीत, प्रतिभाग किया था गतिविधियों को परमानेंट रूप देने के लिए तीन लोग लगातार लगे हुए हैं। एक आपके सामने देखिए मुस्कुरा रहे हैं पूरे टाइम रिकॉर्डिंग करते आ रहे हैं, पानी का ध्यान न रखते हुए। उनकी सबसे बड़ी बात है कि उनकी खुद की फोटो नहीं आ रही है, लेकिन जितने प्रेम और स्नेह से वो हम लोग की फोटो खींच रहे हैं, मैं बहुत बहुत धन्यवाद तीनों लोगों को देना चाहती हूँ। इंद्रभूषण है, प्रभात है, विजय को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ। छोटी सी स्मृतियाँ उनसे शेयर करना चाहूँगी। आप लोग जोरदार तालियों से उनका स्वागत करें। मैं डॉक्टर को आमंत्रित करना चाहूँगी। प्रबंधन विद्या शाखा ने मैंने इतने सारे वो मांग लिए इनसे, लेकिन अभी भी कमी नहीं, आता ही जा रहा है। वाटर ऑफ इंडिया की तरह, एक बहुत पहले होता था जादू वाटर ऑफ इंडिया, पानी निकालते थे फिर पानी आ जाता है, इसी तरह का आप लोगों को बहुत बहुत बधाई मैं देना चाहती हूँ इतने अच्छे प्रबंधन के लिए। कृष्ण भगवान को सारथी की आवश्यकता पड़ती है, बिना उनके उनकी गाड़ी आगे नहीं बढ़ती। तो मेरे दो बहुत ही महत्वपूर्ण साथी हैं गुलाब बन और गोरे, मैं उनको बुलाना चाहूंगी क्योंकि उनके बिना हम यहाँ तक आ ही नहीं सकते थे। मैं इसमें आयोजन के लिए धन्यवाद देने के लिए आयोजन सचिव डॉक्टर अमरेंद्र कुमार यादव को आमंत्रित करता हूं कि वो सभी के प्रति अपना धन्यवाद ज्ञापन करें। 15 अगस्त
2022 अमृत महोत्सव के रूप में पूरा देश मना रहा है और उसी क्रम में हमारा विश्वविद्यालय जो इस प्रदेश का एकमात्र विश्वविद्यालय है और आज इस समारोह में खेल स्पर्धा का आयोजन करने के लिए प्रबंधन अध्ययन विद्या शाखा को आयोजित करने का जिम्मा मिला। प्रबंधन अध्ययन विद्या शाखा ने बड़ी तन्मयता और कठिन परिश्रम के द्वारा आयोजन को सफल बनाने के लिए सभी लोगों को एकजुट किया और आज विश्वविद्यालय परिवार इस खेल आयोजन में अपने आप को सम्मिलित किया है, दर्शक के रूप में भी और प्रतियोगिता में प्रतिभागी के रूप में भी। इस धन्यवाद देने के क्रम में मैं सर्वप्रथम माननीय कुलपति महोदया जी को बहुत 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 धन्यवाद देना चाहूँगा कि माननीय कुलपति महोदया जी ने इस खेल आयोजन को आयोजित कराने के लिए अपना पूरा सहयोग प्रदान किया और इस खेल आयोजन में अपना 100% समय देते हुए और सभी प्रतिभागियों को प्रमाण पत्र और मेडल और प्राइज प्रदान करते हुए एक खुशनुमा जो माहौल है उसको यहाँ पर बनाने में अपना योगदान दिया, उसके लिए मैं कुलपति महोदया मैडम को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। साथ ही इस स्थान पे खेल प्रांगण पे जितने लोग हैं सबका नाम लेने में समय लग जाएगा और वैसे ही सब लोग सुबह से आए हैं तो सब लोगों को एक साथ मैं धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। और इस आयोजन को सफल बनाने में डॉक्टर सर्वेश यादव जी 3 दिनों से दिन रात हमारे साथ लगे रहे और लगभग 10 बजे रात तक हम लोगों ने इस पे कार्य किया है, इसलिए मैं उनको विशेष कर से धन्यवाद देना चाहता हूँ अपने सहयोग के लिए। साथ ही हमारे प्रबंधन अध्ययन विद्या शाखा के निदेशक प्रोफेसर ओम जी गुप्ता जी का सहयोग और सानिध्य मिला इस कार्यक्रम को पूरा करने के लिए, उनको भी धन्यवाद देना चाहता हूँ। और डॉक्टर ज्ञान प्रकाश यादव सर और देवेश रंजन त्रिपाठी सर एवं डॉक्टर गौरव संकल्प जी सबका सहयोग रहा और साथ ही साथ जो हमारे विभाग के रानू जी हैं उनका भी सहयोग पूरा रहा और